मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझसे वार्ड लेवल लेना क्या माने रहता है, मैं न गवर्नर हूँ न कोई वजीरा हूँ, मैं तो साधा आपकी तरह आदमी हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मुझे हासिल है कि मैंने गवर्नर को लात मारी है। मैंने कहा मैं पख्तूनों के कत्लेआम में शरीक नहीं हो सकता, ये तारीख का एक राज है। मैं जान खतरे में डालकर पख्तूनों को अमन देना चाहता था, मैंने तो ओहदा नहीं लिया था, मैंने तो इनकार किया था। किसने सबोताज किया? किसी में जुरत है तो उस खिलाफ बोले। मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं राहील इस मुल्क का सबसे बड़ा जालिम आर्मी चीफ था, अगर आपकी क्यादत में जुरत है तो ये बात कर ले, मैं कर लूंगा। वो कातिल है, उसने मुझे 8 हफ्ते का टाइम दिया था, 8 हफ्ते इस पार्लियामेंट ने उसके साथ नेशनलाइजेशन प्लान पास किया। 8 हफ्ते में मुझे कहा था कि मैं पाकिस्तान को अमन दे दूंगा, 4 साल हो गए, खुद जाके सऊदी अरब में छुप कर बैठ गया और मुझे घर में डाल के चला गया, क्यों उसका नाम नहीं लेते? उससे बड़ा इंतहा पसंद कौन था? 60 बेचारे बेगुनाह तीरा में मारे गए हवाई जहाज में, किस पख्तून लीडर ने उनका नाम लिया मुझे बताओ? 15 सहाफी कबाइलियों के शहीद हो गए, किसने नाम लिया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कबलाई कबाइली साहबियों को बुलाकर 60 लाख रुपए दिए, मुझे बताओ अपनी लीडरों ने से कितना दिया है? सबसे बड़ा तरक्की पसंद फसल सुबह आदि किडनी, मैं बातें करना नहीं चाहता था, मैं परसेप्शन की बात करता हूं कि कैसे गलत परसेप्शन क्रिएट करता हूं कि जिसको मर्जी उसको काफिर कह दो, जिसको मर्जी उसको यहूदी कह दो, जिसको मर्जी उसको इंतहा पसंद कह दो। इंतहा पसंदी के खिलाफ मैं लड़ा हूं, क्या उस रिपार की टेरिज्म इंतहा पसंदी नहीं थी? क्या शेफाओं का कत्ल इंतहा पसंदी नहीं थी? क्या मरदान के बैंक में 25 बच्चों के लोथड़े जो लटक रहे थे इंतहा पसंदी नहीं थी? मैं चाहे वो सेकुलर इंतहा पसंदी हो चाहे मजहबी इंतहा पसंदी हो, मैं दोनों को वशियाना पन के तौर में दोनों के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं, एक के खिलाफ लड़ चुका हूं। आओ मेरे साथ स्टेज पे, मेरे साथ आज से आगाज कर दो जिस शोक इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने का। मैं तो वैसे ही बोनस पे रह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह ताला ने शायद दूसरी जिंदगी से दी है, मैं जाता नहीं तकली बात में। आप यकीन करिए डॉक्टर साहब मुश्ताक शबाब साहब, ये मैं इनको शेरों का ताज समझता हूं, ये इस शेर की गनीमत है, ये इस शेर की गनीमत है। डिक्टेटर के खिलाफ अगर सफे उल में कोई लड़े थे तो वो इस शेर के दानशूर अदीब और शायर थे। वो कौन था? इसी शेर का था जिसने कहा मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का, जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। फरास था